से इस बार हम लोग ने इंटरलाकन वेस्ट स्टेशन से डिसाइड किया बिकॉज इट्स अ लिटिल क्लाउडी टुडे सो चेंज इन प्लान वी आर चूजिंग टू गो टू बर्न द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड वहाँ पे जाके देखेंगे थोड़ा कवर्ड शॉपिंग एरिया है सो अगर बारिश भी पड़ेगी सो वी विल बी इन द कवर्ड एरिया एज वेल एज वहाँ का स्टेट कैपिटल है तो वी होपफुली विल सी सम ऑफ द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स एज वेल एज द स्टेट कैपिटल बिल्डिंग्स देयर द ट्रेन दैट वी हैव टेकन इज IC61 विच इज द इंटरसिटी 61 एंड कल जब हम एयरपोर्ट जाएंगे तो हमें यही ट्रेन लेनी है टू गो टू ज्यूरिख ऑल्सो एंड दिस IC61 गोज टू स्पीस बेसल एंड देन इट एंड्स अप एट कोल्ड इट्स अबाउट अ 15-minute जर्नी एंड वी आर एक्साइटेड टू सी बर्न unplanned city but one more city that we can go to today because of the rains hum Bern west side pe aaye hain which is a suburb of Bern and hum dekhte hain yahan pe kuch shopping areas wagera bataye the let's see अभी बर्न के वेस्ट साइड आए हैं स्मॉल टाउन यहाँ पे देखिए मॉल है यहाँ का जिसका गेस्ट स्टोर वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल स्टार फोर स्टार भी है यहाँ पे आई बर्न स्टेशन के बाहर आए हैं वी जस्ट टुक द ट्रेन बैक फ्रॉम वेस्ट साइड टू बर्न बैनहाफ विच इज द मेन स्टेशन और अब हम लोग ओल्ड सिटी की तरफ एज वेल एज द पार्लियामेंट की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे स्टेशन इज द बर्न बैनहॉफ स्टेशन जहाँ से कि आप उतर के एंड यू कैन वॉक डाउन द मेन स्ट्रीट विच टेक्स यू डाउन इन टू द ओल्ड सिटी एरिया एंड दोनों साइड जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट साइड एज वेल एज द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट देर आर आर्केड्स विच आर कवर्ड बर्न में घूम रहे हैं यहाँ पे इनका एक ओल्ड विलेज मार्केट है देखिए ये सारा ये कवर्ड भी है एरियाज एंड ट्रैम्स भी जाती हैं एंड अगर बारिश पड़ी है तो वी कैन गो टू दिस कवर्ड एरिया देयर आर मल्टीपल स्टोर्स तो हम लोग गए थे करीब 8 घंटे के लिए दी ट्रेन जर्नी के लिए हम लोग ने अपना स्विस ट्रैवल पास यूज़ किया अगर आपके पास स्विस हाफ फेयर कार्ड है यू कैन यूज़ दैट फॉर हाफ द फेयर एंड देन कवर द रेस्ट ऑफ इट बाय पेइंग कैश और यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड ये करीब 12th और 13th century का बना हुआ है डेट्स बैक एंड काफ़ी मिडिवल आर्किटेक्चर है जो कि काफ़ी अच्छा प्रिजर्व किया हुआ है especially in the old town area. अभी ट्रेन स्टेशन निकले एंड वी आर हियर इन द डाउनटाउन एरिया गोइंग टू द ओल्ड सिटी एंड ओल्ड सिटी के पास ही पार्लियामेंट भी है इनका द बुंडल्स हाउस दी ट्रेन स्टेशन से आप अगर निकलेंगे एट बर्न तो मार्केट गैस बोलते हैं MARKETGASSE इन जर्मन जहाँ पे कि पूरा मार्केट प्लेस है एंड यू कैन रिकॉग्नाइज सम ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड शॉप्स एज वेल एज वहाँ पे हम लोगों ने वी हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग लंच देयर क्योंकि बीच में बारिश पड़ने लगी तो एंड स्ट्रीट साइड देयर आर लॉट ऑफ दिस अम्ब्रेलाज वगैरह हैं जो कि most of the restaurants they have their dining set up on the streets also bahut sare trams hain yahan pe kafi buses chalti hain so be careful with these buses and trams but it's a very touristy place you will also notice that in the backdrop you'll see beautiful clock towers as well as the parliament in Bern सिटी सेंटर में है एंड आपको दिखेगा कि पीछे जैसे कि ट्रैम का मूवर्स है ये पीछे में हेलमेट का जहाँ लिखा है कन्फेडरेशन हेलमेट का विच इज़ द CHF जो लिखते हैं फ्रैंक में भी सो दिस इज देयर पार्लियामेंट बिल्डिंग फ्रॉम what we were told and we couldn't see all of the rivers but it is surrounded by 3 rivers primarily so right behind the parliament you'll see the rivers there and it's again a very beautiful sight to look at the rivers as well as wahan pe parapet pe behind the parliament they do have people just sitting there having a picnic kind of a thing to kafi
काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी है. काफ़ी बाइसिकलिस्ट भी मिलेंगे आपको इन द स्क्वायर. एंड अगर आपको पार्लियामेंट का टूर लेना है देन दी सजेशन इज़ कि आप उसको पहले से बुक कर लीजिए. हम लोगों ने बुक नहीं किया था सो वी वर नॉट एबल टू टेक एंड वी डिडंट हैव दैट मच टाइम ऑल्सो. बट अगर आपने प्लान किया हुआ है बर्न जाने का देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर पार्लियामेंट का टूर लेने के लिए आप प्री बुक कर लीजिए एज वेल एज इंश्योर कि जिस डेट में आप जा रहे हैं उस दिन वो टूर अवेलेबल है. हम यहाँ आ गए हैं ज्यूरिख एयरपोर्ट के स्टेशन पे. अब हम एलिवेटर लेके वी विल गो अपस्टेयर्स एंड लेट्स सी व्हेदर चेक इन काउंटर इज ऑन फॉर द सिक्योरिटी चेक के पहले मेक श्योर दैट आप अपने सारे लिक्विड्स हैं. यहाँ पे जिप लॉक बैग्स मिलते हैं क्लियर जिप लॉक बैग्स. उसी साइज के अंदर में आपको लेस देन 100 मिलीलीटर की बोतलें होंगी वही रख सकते हैं. और जब बैग भर जाता है तो उतना ही सामान आप सिक्योरिटी थ्रू ले जा सकते हैं. उसके ज़्यादा जितना होगा वो सारे सब दे विल डिस्काउंट द प्रोडक्ट्स जो आपके पास हैं. तो सजेशन है कि सब चेक इन बैगेज में रखिए अपने कॉस्मेटिक्स और लिक्विड्स जितने भी हैं इवन इफ इट्स लेस देन 50 मिलीलीटर. और जो एकदम एसेंशियल है वही रखिए अपने पास. बस वन पर्सन इज़ अलाउड वन जिप लॉक बैग. तो ऐसा भी नहीं है कि आप दो जिप लॉक बैग लेके दो घूम लेते हैं एक आदमी. तो एक पर्सन के लिए एक जिप लॉक बैग ही है. देखिए यहाँ पे यार द लाउंज लाउंज से एक्सेस है बाहर का दिखता है. यू कैन सी दी एयरपोर्ट यू कैन सी दी डिफरेंट गेट्स. यहाँ पे भी डिस्टेंस में आपको दिख रहा है कतर एयरलाइंस का. सामने में है बुल्गेरिया एयर का. लेफ्ट में है यूनाइटेड एयरलाइंस का. एंड थाई एयरवेज इज अबाउट टू लीव. तो यहाँ पे जब आते हैं ट्रेन से जब पहुँचते हैं तो ट्रेन से पहुँच के यू हैव टू गो टू लेवल 2 तक जाइएगा ऊपर. एंड लेवल 2 से देन यू हैव टू डू योर चेक इन करना है बैगेज डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन दैट यू आर इन वेदर यू आर एयरवेज और टर्किश व्हिच एवर इट इज. आफ्टर यू हैव चेक्ड योर बैगेज एंड गिव यू द बोर्डिंग पास. और बोर्डिंग पास लेके आप अपने जोन्स में जाइए. अगर ई में है तो ई में जाइए एफ में. एंड देन पास दैट इज पासपोर्ट कंट्रोल विच इज इमिग्रेशन. हाई एवरीवन इट्स अबाउट 6 AM इन द मॉर्निंग. सुबह यहाँ पे 5 जुलाई को हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं. कैरल से बेल्ट से हमने उठा लिया है अपने बैगेज. हम जा रहे हैं अब एग्जिट की तरफ. एंड इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप. सर्टनली वुड रिकमेंडेड टू एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूरोप एंड स्विट्जरलैंड.